रांची के पुराने जेल में बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय में लोगों की भीड़ लगी रही। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पार्क के गेट को बंद कर दिया गया, फिर भी कई लोग गेट को फांद कर अंदर आ गए। रिपोर्ट देखिए। बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय में झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर उद्घाटन किया गया। पार्क का उद्घाटन 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद क्या था, पार्क और संग्रहालय घूमने आने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्साहित लोग बंद गेट को फांद कर अंदर आ रहे थे। पार्क को देखने के लिए लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि भगवान बिरसा के बारे में जानकारी देने के लिए ये पार्क झारखंड के लिए गौरव की बात है। कम से कम कुछ दिनों के लिए झारखंडियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनका पहचान है, लेकिन जब यहाँ लोग यहाँ झारखंड में बिरसा मुंडा की यादों को देखने आते हैं तो उस तरह का कुछ दिखाई नहीं देता था। और बहुत विगत कुछ दिन पहले राजस्थान से मीना भाई लोग आए थे कि कुछ बिरसा मुंडा की जन्म स्थली जाएंगे और झारखंड में उसका उनकी जो उपलब्धियां हैं वो देख के जाएंगे, लेकिन यहाँ उसको कुछ नज़र नहीं आया तो उनका जो एक मनोबल था वो टूटा। तो आज के दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म हुई थी। दूसरी है कि आज 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना हुई थी और आज जो जेल परिसर है इसको संग्रहालय के रूप में मतलब विकसित किया गया है, तो आज इसका उद्घाटन भी था, तो ये आज का एक ऐतिहासिक दिन रहा है। भगवान बिरसा मुंडा उद्यान सह संग्रहालय की कुल लागत 142 करोड़ रुपए है। इसमें से 117 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने खर्च किया है। इसके साथ ही भव्य और विशाल पार्क का निर्माण कराया गया है। कुछ पुलिस कर्मियों की माने तो काफी वक्त पहले जेल परिसर हुआ करता था। ऐसे में जब उनकी पोस्टिंग इस इलाके में थी तो अपराधियों से पूछताछ और कई कानूनी कार्रवाई के लिए इसी जेल परिसर में आना होता था। लेकिन अब जब आकर्षक भव्य भगवान बिरसा मुंडा उद्यान सह संग्रहालय निर्माण हुआ, वो भी पुराने जेल के रूप में, तो पुरानी यादें ताजा हो गई। आवाज एक अलग नजारा दिख रहा है, तो निश्चित रूप से पुरानी यादों को जेहन में रखते हुए ऐसा लगता है कि समय बड़ा बलवान होता है, कैसे कैसे परिवर्तन होता है। झारखंड बनने के बाद आज वो दिख रहा है। भगवान बिरसा मुंडा उद्यान सह संग्रहालय उद्घाटन के बाद राजधानी वासियों में पार्क को लेकर काफी उत्साह है। ऐसे में झारखंड के लिए गौरव की बात है कि भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को लोग अब देख और समझ पाएंगे। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।